हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज़। आज हम राजस्थान आयुष काउंसलिंग 2021-2022 के फर्स्ट राउंड की बात करने वाली है। इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट, कॉलेज से रिज़ाइन, डीडी कैसे बनाए, ऑल द इंक्वायरीज रिलेटेड टू द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात हम करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जिनको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है तो काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर आकर रिपोर्टिंग करनी होगी, जिसकी डेट 14 मार्च 2022 और 15 मार्च 2022 है। रिपोर्टिंग के टाइम कॉलेज फ़ी की जो है डीडी बनानी होगी। कितने की डीडी बनानी है इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप उसको नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक कॉलेज की डीडी अमाउंट अलग अलग है, जो कॉलेज मिला है उसका डीडी अमाउंट कितना है ये देखकर जो है आप डीडी बनाए। इसमें जो आपने 25,000 सिक्योरिटी मनी चॉइस फिलिंग के टाइम पर दी थी उसको आप जो है आपकी जो भी कॉलेज आपको जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज की फ़ीस में जो है ऐड कर दी जाएगी। तो अब बात करें फ्री एग्ज़िट की, तो आप फर्स्ट राउंड में बिना सिक्योरिटी मनी दिए फ्री एग्ज़िट कर सकते हैं, अर्थात उस कॉलेज को ज्वाइन किए बिना फ्री एग्ज़िट ले सकते हैं, जिसमें से जो है आपकी सिक्योरिटी फ़ीस जो है सेफ रहेगी, सिक्योरिटी मनी जो है सेफ ही रहेगी। यदि आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है आपको लगता है कि सेकेंड राउंड में इससे बेहतर कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो आप जो है अपग्रेड का ऑप्शन भी ले सकते हैं और आप जो है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है आप पार्टिसिपेट सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। फिर से चॉइस फिलिंग करनी आपको होगी, तो चॉइस फिल करने के बाद आप जो है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको सेकेंड राउंड में कोई भी अपग्रेड कॉलेज अगर मिल जाता है तो जो आपको ने आपको जो है फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है वह आपने अपने आप से जो है कैंसिल हो जाएगा। साथ ही सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको ज्वाइन आपको करना ही होगा, इसमें से आप जो है फ्री एग्ज़िट नहीं ले सकते हैं। अगर सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो आपको वो नेसेसरीली आपको वो कॉलेज लेना ही होगा। यदि आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको आप रिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी मनी देके जो है रिज़ाइन दे सकते हैं। कैंडिडेशन मतलब जो है ना आपका पार्टिसिपेशन की जो सिक्योरिटी मनी थी वो वापस नहीं मिलेगी। यदि आपने कॉलेज को ज्वाइन कर दिया है रिपोर्टिंग सेंटर पर, उसके बाद जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर भी आपको ज्वाइन करना होगा। जिस दिन आपने रिपोर्टिंग की है जोधपुर कॉलेज में उस दिन से जो है 7 दिन के अंदर जो कॉलेज मिला है आपको जो है रिपोर्ट करना होगा उस कॉलेज में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो रिपोर्टिंग के टाइम पर जो है हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। अभी कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे वो हम एक एक करके देखते हैं। पहला जो है NEET 2021 स्कोर कार्ड और NEET 2021 एडमिट कार्ड ले जाना होगा। अलॉटमेंट लेटर ले जानी होगी हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। बाद में मार्कशीट ऑफ द 10th एंड 12th जो है हमें ले जानी होगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th क्लास में जो जमा की थी वो ले जानी होगी हमें एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th क्लास की जो मार्कशीट ले जानी होगी। 12th स्टैंडर्ड की जो है पासिंग सर्टिफिकेट हमें ले जानी होगी। मार्कशीट ऑफ द 12th इफ़ पास्ड इन मोर देन वन अटैम्प्ट सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी एज सिलेक्टेड बाय यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाना होगा। कॉपी ऑफ फ़ोटो आईडी चाहे वो पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें ले जानी होगी। 12th क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भी ले जाना होगा। वैलिड जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर हम कोई किसी कास्ट या कैटेगरी में बिलोंग करते तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हमें जिस प्रकार हमने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई वो ले जानी होगी। अगर फिज़िकली हैंडीकैप है या भी डिजेबल है तो सर्टिफिकेट ले जाना होगा कैंडिडेट को। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री पर्सन, अगर मिलिट्री पर्सन से बिलोंग करते तो वो जो है हमें
सर्टिफिकेट ले जाना होगा। EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, तो EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल कैरी करनी होगी। प्रोफोमा 9 ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प ऑफ ₹50 वो भी लेकर जाना होगा। अगर जो है एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट, अगर कोई और भी सर्टिफिकेट है तो वो भी हमें कैरी करना होगा एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। यहाँ पर हमने जो है काउंसलिंग रिलेटेड सभी इंक्वायरीज़ के बारे में आपको आंसर दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज़ अगर आपको लेनी है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक हमने दे दिया है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। टिल देन कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग आर चैनल। थैंक यू सो मच।